विक्की कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज हो गई है। कहानी की दोस्तों बात करूं तो गोविंदा यानी कि विक्की कौशल की लाइफ की लगी पड़ी है। कोरियोग्राफर एक है वो, और अब उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। घर को लेकर, बीबी को लेकर, पुलिस वाले का भी चक्कर है। पुलिस वाले से गन लिया हुआ है लेकिन पैसा नहीं दिया है। बंगलो है लेकिन जो तो मालिक है, लेकिन फिर भी जो काम वाली है वो भी मालिक को इज्जत नहीं दे रही है, चाय भी बना के नहीं पिला रही है। तो मतलब कि यार पूरी की पूरी लाइफ की लगी पड़ी हुई है। अब वो कैसे बाहर निकलेगा, क्या वो बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो यही हमें इस फिल्म में देखना है। फिल्म देखकर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बस तुम्हारा मेरा रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। फिल्म वाकई ही काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है। फिल्म जैसे ही शुरू होती है सीधा पिकअप पकड़ लेती है और एंड तक फिल्म पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। हाँ, बीच में दो गाने हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो विक्की कौशल हमें इस फिल्म में कॉमेडी अवतार में दिखे हैं। इससे पहले लगभग विक्की कौशल ने कोई कॉमेडी फिल्म नहीं की थी, लेकिन ये अवतार देखकर काफ़ी मज़ा आया। तो विक्की कौशल कॉमेडी अवतार में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। भूमि बेडनेकर की बात की जाए, उन्होंने भी अपने काम को बहुत अच्छे से किया है। क्यारा आडवाणी का काम दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। क्यारा आडवाणी को एक नया तरीका का किरदार यहाँ पर देखने को मिला है, तो क्यारा आडवाणी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी दोस्तों म्यूज़िक की बात की जाए तो एक आध दो गाने हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो गाने जो है वो याद भी नहीं रहेंगे। रणबीर कपूर का एक छोटा सा कैमियो है, वो भी अच्छा है। बाकी ओवरऑल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो फिल्म अच्छी है। फिल्म में स्टोरी में थोड़े लूप फोर्स जरूर है, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हैं तो ही आप फिल्म का जो मज़ा है वो ले पाएंगे। बाकी पहले आप में फिल्म पूरा सेटअप करती है, दूसरे आप में एक थोड़ा सा मर्डर वाली मिस्ट्री आती है, और एंड में जिस तरह से मिस्ट्री खुलती है वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर दोस्तों लूप फोर्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब वो काम वाली है वो पुलिस के पास वो कांच का टुकड़ा लेकर जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि यार आप देख लेना फिल्म, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे थोड़े लूप होल्स है। बाकी दिमाग को साइड में रखकर इस फिल्म को आप पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। फिल्म में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो सेकंड हाफ में हर दूसरे सीन में ट्विस्ट आता है वो भी देखने को मिलेगा। अंत में आप छोटी सी एक मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कॉमेडी के साथ साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्विस्ट टर्न्स और सस्पेंस है जो कि आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे। बाकी फिल्म में अच्छे खासे थोड़े वन लाइनर पंचेस भी है, वो भी देखने में मज़ा आएगा। तो ओवरऑल फिल्म आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार। आपने फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसी लगी, और नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।